जय महाकाल। आदेश आदेश सभी मित्रों को हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एंड तंत्र मंत्र में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज यह नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके बीच यह परम प्रमाणित गुरुमुखी महाचौकी, जिसको कहते हैं, जो कि महागद्दी, यह मंत्र मैं आज आप सबों को प्रदान कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी विद्या, बहुत बड़ा मंत्र मैं दे रहा हूँ, जो कि आप सबों के बीच यह कानाबाड़ विद्या, जो कि 360 की महाचौकी इसे कहा जाता है। ये चौकी क्या है? जैसे कि हम कोई भी घर की बंदिश करते हैं, चाहे अपनी रक्षा करते हैं, तो उनका रखवालदार को उस जगह पे खड़ा किया जाता है। जैसे कि इस मंत्रों में अष्ट भैरव हैं, चाहे काली हैं, 64 योगिनी हैं, और भी जितने 52 वीर हैं, सभी की चौकी लग जाती है इस मंत्र के द्वारा। किसी के घर में अगर इस चौकी को लगा दिया जाए तो उस घर में किसी भी तरह का आला बला प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सभी जितने भी इस मंत्र में जिनके भी नाम हैं, सबकी सत्ता चौकी लग जाती है और किसी भी तरह का तांत्रिक आपके घर में अभिचार नहीं कर सकता। इसके लिए करना क्या होता है? सर्वप्रथम तो जो भी लोग हमारे साधक गण हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों को, वो गौर से इनको सुने, आगे बढ़ा कर ना देखें, पूरे इस ऑडियो को सुने। सर्वप्रथम तो गण मंत्र को लेना है, दूसरा मंत्र गण गौलन, फिर गण चलावन, ये कॉम्पल्सरी है। किसी भी मंत्र को आप ले, सब से पहले गण मंत्र, गण गौलन, गण चलावन, उसके पश्चात इस मंत्र का सर्वप्रथम करना क्या है? मंगलवार के दिन आंकड़े की छोटी सी जड़ लानी है, विधिवत वहाँ अच्छे चावल चढ़ा करके और मौली धागा बांध करके और छोटे से सफ़ेद आंकड़े की जड़ लानी है, हनुमान जी के मंदिर जाकर और उनके जो ज़मीन में सटे हुए पैर हैं उन पे ऊपर जो सिंदूर लगाई है, उस सिंदूर के इस लकड़ी के ऊपर लगाएंगे। अब इस मंत्रों को अभिमंत्रित करेंगे, इस मंत्रों को 7 बार इसी मंत्र के द्वारा, जो मैं इस वीडियो में अंतिम में आप सबों के बीच प्रस्तुत किया हूँ। इसके पश्चात, इसको अभिमंत्रित करने के पश्चात, अनाज के साथ दाने को भी मिला लें, एक नींबू को भी ले लें और एक कील भी ले लें, सभी को फिर से 7 बार अभिमंत्रित करें। और जिस घर में बार बार तंत्र होता है, उस घर में इसको चौखट पे गाड़ दे। जैसे आप इसे गाड़ते हैं, जितनी भी अला बला उस घर में होंगी, सारी की सारी शक्तियाँ शांत हो जाती है और जितने भी गलत से गलत शक्तियाँ विराजमान की गई है या पहले से वास करती है, वो सभी के सभी दूर हो जाते हैं, उनकी शक्ति बंद जाती है और आपके घर परिवार की सुरक्षा होती है। इस तरह आप चारों कोनों में भी गाड़ सकते हैं और इस तरह आप 7 रंग के धागों पर भी इस मंत्र को 7 गांठ लगा करके आप धारण कर सकते हैं, जिससे कि सर्व सुरक्षा चौकी आपके ऊपर विराजमान रहती है और सर्व सुरक्षा आपको प्रदान होता है। और यह जो 360 की चौकी है, ये बहुत ही अनुमति लेने के बाद, गुरुजन से आदेश लेने के बाद, यह आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ जन कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु। और एक बताना चाहूँगा, एक में मंत्र डाला था जिसमें 2 वनस्पतियों का मैंने जिक्र नहीं किया। उन 2 वनस्पतियों में एक स्त्री लौंग और एक पुरुष लौंग का उपयोग किया जाता है। बहुत से मित्र मुझे मैसेज किए कि गुरुजी उसे बताइए, मैं बता दिया हूँ, उसमें स्त्री लौंग और एक नर लौंग के नाम से ये एक जाना जाता है, उस वनस्पति का उपयोग होता है। तो ये मंत्र आप सबों के बीच में प्रस्तुति करके लाया हूँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर। अगर किसी के घर में बार बार अगर कोई भी तंत्र की क्रिया हुई हो या उनके घर में गड़बड़ होता रहता हो, तो इस चौकी का आप उपयोग करें। बहुत कम लोगों को यह चौकी के बारे में जानकारी है,
ये चौकी बहुत तरह के होते हैं। ये जैसे घर की रक्षा के लिए चौकी है, एक आसुरी चौकी होती है, और एक होती है जिसमें कि समस्त जितने आसुरी सेना है वो चलते हैं, जो कि किसी को गलत कार्य हेतु अगर वो चौकी किसी घर में बैठा दिया जाए, बहुत से लोग करते हैं गलत उपयोग, पर नहीं करना चाहिए। आप सबों के बीच ये जो जन कल्याण हेतु चौकी है वो आप सबों के बीच मैं प्रस्तुत किया हूँ। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, देखे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरघट चालू मरघट चालू, उलट पलट चालू, तेरे दरवाजे पर पहरा डालू, किस किस का पहरा, पहरा मेरे मुर्शिद अष्ट भैरव का ठोकू, किल्ला मारू चोट खूंटू खूंटू, बावन वीरों की चौकी, तेरे दरवाजे पर चारों कोनों दसों दिशी पे तैयार रहना, खबरदार रहना, रहना तैयार, मार मार दुश्मनाचा, भेजी चौकी को कर बंदी, ठोके जंजीर पाँव में बेड़ी हाथ में ताला, जड़े मौला अल्लाह ताला की, मेरे अमुक शत्रु की हाल बन, चाल बन, जादू बन, टोना बन, उसके गुरु का इलम बन, कैसा बन, इंद्रधनुषाचा, डोरी से बांधे उस बंधन को, डोरी धागे से बांधे, बांधे 64 योगिनी उस धागे, धागे पर बैठी अपनी सत्ता चला, नाड़ने दे ना बढ़ने दे, बेताचा छड़ी से घेरा मारे, मारे कोन कोने कोने को, रुद्र 11 रुद्र का वीर हनुमंता, हाथ भभूत झोंका झोंका झोंके, कौन नवनाथ 84 सिद्ध की जंजीरों की चौकी बिठाते, 360 झपाटा तड़ाका चले, खड़े चौकीदार जागते रहना, रहे तैयार ना रहे तैयार तो लोनिया चंभार की उल्टी ज्योतियों की फटकार, कावड़ देश कान्हा बाढ़ बंगाल का इलम सच्चा चले, छू मंत्र भाष्या पूरी छू। ये है मंत्र आप सबों के बीच में प्रस्तुत किया हूँ। ये धीरे धीरे मैं आप सबों के बीच बोला, इसलिए अगर कुछ भी अगर त्रुटि हुई तो उसे क्षमा करें और अच्छे तरह से इस मंत्र को कंठस्थ कर उपयोग करें। इसी तरह हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और भी कई ऐसे मंत्र जो आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, तो आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, आदेश आदेश आदेश, गुरुजी को आदेश, जय महाकाल।